नमस्कार दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए उनमें किन किन को कौन सा मंत्री पद मिला हुआ है, किसके अंडर में कौन सा विभाग है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17वीं लोक चुनाव हुआ है 2019 में, ठीक है। इसके परिणाम आने के बाद 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता मोदी को 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट प्रांगण में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण दिलाया। मोदी सरकार के प्रधानमंत्री काल का यह दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार में पीएम मोदी सहित 25 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, 24 राज्य मंत्री। याद रखिए, जिसमें 3 महिलाएं कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं, इनमें निर्मला सीतारमण, स्मृति जुबिन ईरानी, हरसिमरत कौर बादल। इसी प्रकार कुल महिलाओं की मंत्रियों की संख्या 6 है। इनमें से 20 सांसदों ने पहली बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं। अब उनकी सूची देख लेते हैं, नए कैबिनेट मंत्री, उनके आवंटित मंत्रालय। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एस जयशंकर, बीपी नेता अनुराग ठाकुर और शिवसेना के अरविंद सावंत को स्थान मिला। नई सरकार में सुषमा स्वराज, राज्यवर्धन सिंह राठौर और मेनका गांधी शामिल नहीं है मंत्री में। याद रखिए, एक और शिवसेना के जो के सावंत थे, अरविंद सावंत, ये अब मंत्रिमंडल से हट गए हैं। अभी जो महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ था उसी मामले में, ठीक। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान सहित बिम्सटेक देशों के नेताओं के अलावा किर्गिस्तान और मॉरीशस राज्यों के 8 प्रमुख अतिथि के नाम इस प्रकार हैं: अब्दुल हमीद ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना, तो याद रखिए राष्ट्रपति श्रीलंका के थे, अब गोटबाया राजपक्षे बन गए हैं, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति। अभी करंट में हम बता रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में बात कर रहा हूँ। सोरोन वाय जेनेव को ये राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान रिपब्लिक के, यू विन मिंट ये राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, केपी शर्मा ओली तो प्रधानमंत्री नेपाल, डॉक्टर लोटे शेरिंग तो प्रधानमंत्री भूटान, ग्रशाड़ा बूर राज तो विशेष राजदूत थे थाईलैंड के, ठीक। अब 25 कैबिनेट मंत्री हैं जो उन्हें देख लेते हैं, उनके मंत्रालयों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी, तो इन्हें मिला हुआ है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं जो, ठीक है। यहाँ याद रखिए, जो अन्य विभाग किसी मंत्रिमंडल मंत्री को आवंटित नहीं किए गए वो सभी नरेंद्र मोदी के अंडर में आते हैं। फिर है हमारे रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री याद रखिए राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। फिर है अमित शाह जी, तो गृह मामलों के मंत्री, होम मिनिस्टर हैं। फिर है हमारे नितिन गडकरी साहब, तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्री हैं। फिर है डी वी सदानंद गौड़ा, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। फिर है अपने निर्मला सीतारमण, तो वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। राम विलास पासवान, तो ये उपभोक्ता मामलों,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। फिर है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, तो एक कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। फिर रविशंकर प्रसाद, तो याद रखिए कानून और न्याय मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। फिर है हरसिमरत कौर बादल, तो एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। फिर है थावर चंद गहलोत, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। फिर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, तो ये विदेश मंत्री हैं। फिर है रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। फिर है अर्जुन मुंडा, तो याद रखिए आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। फिर है स्मृति जुबिन ईरानी, तो महिला और बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री हैं। फिर है डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, ठीक है। फिर है प्रकाश जावड़ेकर, तो याद रखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही है। फिर आते हैं पीयूष गोयल, तो ये रेल मंत्री हैं तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी यही है। फिर है धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री भी यही हैं। फिर है मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। फिर है प्रहलाद जोशी, तो इस प्रहलाद जोशी इस संसदीय मामलों के मंत्री हैं, कोयला खान मंत्री भी यही है, ठीक। फिर है डॉक्टर महेश नाथ पांडे, तो एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। फिर अरविंद गणपत सावंत, तो ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। फिर है गिरिराज सिंह, तो इन्हें मंत्रालय मिला हुआ है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो जल शक्ति मंत्री हैं। याद रखिए जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय बना हुआ है 2019 में। बात करते हैं हम लोग राज्य मंत्री, नई भाजपा सरकार में 9 राज्य मंत्री शामिल हैं, जिसमें उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया। अब राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री देख लेते हैं। संतोष कुमार गंगवार, इन्हें मंत्रालय मिला हुआ है श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के, ठीक है, याद रखिए। फिर है हमारा राव इंद्रजीत सिंह, तो इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के, और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। फिर है हमारे श्रीपाद यसो नाइक, तो याद रखिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और रक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। फिर है हमारे जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री है, ठीक। फिर आ गए हमारे किरण रिजिजू, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री भी है यही। फिर हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। फिर है राजकुमार सिंह, तो ये ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर है हमारे हरदीप सिंह पुरी, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य
राज्य मंत्री हैं, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर है मनसुख एंड मंडाविया, तो जहाजरानी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मोदी सरकार 2.0 में 24 राज्य मंत्री हैं। चलिए तो उन्हें देख लेते हैं, उनके विभागों को। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य मंत्री की, फग्गन सिंह कुलस्ते, तो इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। फिर है अश्विनी कुमार चौबे, तो इस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय है इनके अंदर। फिर है अर्जुन राम मेघवाल, तो इस संसदीय मामलों के मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है इनके अंतर्गत। फिर है जनरल बीके सिंह, तो इनके अंदर है अंडर में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। फिर है हमारे कृष्ण पाल, तो इनके अंदर है, इनके अंडर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर है दानवे राव साहेब दाद राव, तो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके अंदर में। फिर है जी किशन रेड्डी, तो इनके अंदर में गृह मंत्रालय, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं, याद रखिए। पुरुषोत्तम रूपाला, तो इनके अंडर में है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, याद रखिए। पुरुषोत्तम रूपाला के अंडर में क्या है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फिर हमारे रामदास अठावले, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके अंडर में है। फिर है साध्वी निरंजन ज्योति, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है इनके अंडर में। फिर है हमारे बाबुल सुप्रियो, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इनके अंदर में। संजीव कुमार बाल्यान, तो याद रखिए इनके अंडर में पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। फिर है दोते संजय सामराव, तो याद रखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर है अनुराग सिंह ठाकुर, कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, तो याद रखिए वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है इनके अंडर में, ठीक है, इसके मंत्री हैं। फिर है अंगदी सुरेश चन्न वसापा, तो याद रखिए रेलवे मंत्रालय है इनके अंडर में। फिर है नित्यानंद राय, कौन है, नित्यानंद राय, तो गृह मंत्रालय है इनके अंडर में, ठीक है। फिर है श्री रतन लाल कटारिया, तो याद रखिए जल शक्ति मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इनके अंडर में। फिर है बी मुरलीधरन, तो याद रखिए इनके अंडर में विदेश मंत्रालय तथा संसदीय मामलों का मंत्रालय, ठीक है। फिर है रेणुका सिंह सरूता, तो याद रखिए ये राज्य मंत्री है, ये सभी राज्य मंत्रियों को देख रहे हैं हम लोग। जनजातीय मामलों का मंत्रालय है इनके अंडर में। सोम प्रकाश, तो याद रखिए ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री है। फिर है रामेश्वर तेली, तो याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है इनके अंडर में, इसके मंत्री हैं। फिर है प्रताप चंद सारंगी, तो इनके अंडर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। फिर है कैलाश चौधरी, तो इनके अंडर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फिर है अगले देवाश्री चौधरी, तो याद रखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके अंदर में। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, नई मंत्रिमंडल की लिस्ट थी, उनके मंत्रालय। चलिए ठीक।